दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे T20 से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने दी है भारत को खुलेआम धमकी। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपका भी खौल उठेगा खून। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 T20 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें भारत को जीत मिली है। ऐसे में तीसरे T20 मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने घमंड में चूर होते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। इस बीच एडम गिलक्रिस्ट, आरोन फिन से लेकर रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन ने भारत के खिलाफ एक ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए क्या कहा तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है। इससे पहले मैच में भारत को 2 विकेट से जीत मिली है। वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 44 रन से शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में भारतीय टीम को तीसरा मैच 28 नवंबर को गुवाहाटी के मैदान पर खेलना है, जिसके लिए दोनों टीम पूरे तरीके से तैयार है। इस मैच में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज को अपने नाम अजय बढ़त के साथ करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। ऐसे में तीसरा T20 मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी कर दिया है, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैच खेले गए हैं जिनमें भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में भारतीय टीम जीत के बाद काफी ज्यादा खुश ना हो क्योंकि अभी 3 मैच बाकी है, तो ऐसे में इन सभी 3 मैच के अंदर हमारी टीम जीतने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था और अब हमारी टीम के सभी खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में खेले थे वह आने वाले 3 मैचों में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में भारतीय टीम को हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है क्योंकि हम भारत को हराकर भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए एक बार फिर से पूरी तरह तैयार हैं। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले 2 मैच के अंदर भारतीय टीम की जीत मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता भारतीय टीम को जीत मिलनी चाहिए थी। हालांकि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी खिलाड़ियों का फॉर्म भी लौटा है, तो ऐसे में हमारी टीम को परेशान करना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, भारत को अब हमारे खिलाफ तीसरे T20 से बचकर रहने की जरूरत है क्योंकि हमारे भारत को हराकर उसकी असली औकात दिखाने वाले हैं। वहीं ऑरेंज फिंच ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले 2 मैच के अंदर भारतीय टीम को शानदार प्रदर्शन के चलते जीत मिली है। हालांकि भारतीय टीम जीत के बाद काफी ज्यादा खुश ना हो क्योंकि भारतीय टीम को परेशान करने के लिए हमारी टीम पूरे तरीके से तैयार है। हमारी टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और साथ में गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन जीत दर्ज करने में हम असमर्थ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन अब भारतीय टीम को हमारे खिलाफ प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम भारत को हराकर भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए एक बार फिर से पूरी तरह तैयार हैं। वहीं मैथ्यू हेडन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है, तो ऐसे में भारतीय टीम को तीसरे मैच में जीतने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि हम मैच में जीत दर्ज करने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन अब हम भारत को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन बेशक न किया हो, लेकिन अब भारतीय टीम के खिलाफ हमारी टीम का मनोबल बेहतर हो चुका है और हम भारत को बुरी तरीके से हराने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं, तो ऐसे में भारतीय टीम हमसे बचकर रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मैच में जीत मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैच में भारत को शानदार जीत मिली है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों का बड़ा बयान सामने आया। इस बीच स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर से लेकर मिताली राज, शेफाली वर्मा ने रिंकू सिंह की तारीफ करने के साथ एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आखिरकार भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जीत के बाद रिंकू सिंह को लेकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत को 44 रनों से शानदार जीत मिली है। इस वजह से भारतीय टीम की तरफ से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाकर 236 रनों का मजबूत लक्ष्य दिया था और इसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को 191 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इस मैच को अपने नाम 44 रनों से किया। हालांकि इस मैच में भारत की शानदार जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ी रिंकू सिंह की तूफानी पारी की दीवानी हो गई हैं, जिसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसमें स्मृति मंधाना ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं चाहती थी कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर किसी भी दम पर जीत मिले क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा था, जिसका दर्द भुलाने के लिए इससे
सीरीज में हमें जीत की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन रिंकू सिंह का प्रदर्शन वास्तव में काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह से बेहतरीन खिलाड़ी पूरी दुनिया में इस समय कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रदर्शन के दम पर किसी भी परिस्थिति से मैच को अपने में तब्दील कर सकते हैं। तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में जीत मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम के अंदर सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने बेहतरीन से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की, जिसमें रिंकू सिंह का नाम सबसे ऊपर शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह ने जिस तरीके से एक बार फिर से अंतिम ओवर में भारत को मजबूती दिलाने का काम किया, वो इस बात का प्रतीक है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर रिंकू सिंह को जगह बनाने से रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मैच को खत्म करने की काफी बड़ी काबिलियत मौजूद है। तो वहीं मिताली राज ने बयान देते हुए कहा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में काफी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहां पर भारत के युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को अकेले परेशान करने का दम रखता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे मैच में भारत की तरफ से रिंकू सिंह अकेले ऐसे खिलाड़ी दिखे जिनसे कोई गलती नहीं हुई। इसके अलावा बाकी के सभी खिलाड़ियों ने कोई ना कोई गलती खराब फील्डिंग या खराब शॉट खेलने के साथ की। इसके अलावा रिंकू सिंह अकेले ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भारत को इस मैच में जीत दिलाने का काम किया। तो वहीं शेफाली वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के चलते टीम को जीत दिलाने का काम किया, जो इस बात का प्रतीक है कि रिंकू सिंह से बचकर सभी टीमों को रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने रिंकू सिंह को पीछे छोड़ने का काम किया हो। मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह अगर इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते रहे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाज गेंदबाजी करने से भी दूर भागने लगेंगे, क्योंकि रिंकू सिंह ने अपनी जबरदस्त प्रदर्शन के चलते पूरी दुनिया को प्रभावित किया। दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद बाबा बागेश्वर ने दिया रिंकू सिंह पर दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। ऐसे में जीत के बाद जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने रिंकू सिंह की पर्ची निकालते हुए इस वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा खुलासा कर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद रिंकू सिंह को लेकर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, महेंद्र सिंह धोनी में और रिंकू सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच आज रोमांचक अंदाज से खेला गया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोका, और इसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खुद 191 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाया और इस मैच को 44 रन से हार गई। ऐसे में भारत के लिए एक बार फिर से जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने 9 गेंद पर 31 रन का योगदान दिया। ऐसे में रिंकू सिंह की तूफानी पारी को देखकर बाबा बागेश्वर का रिंकू सिंह पर दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बयान देते हुए कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम की जीत मिली है। जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। मैं चाहता हूं कि भारत इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को भी अपने नाम कर ले, लेकिन भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को अपने नाम नहीं कर पाए। हालांकि यह खेल है,